मॉर्निंग बदर तो यार, कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं जंगल में, वहां पे गुच्छियां मिलती है, मतलब बोलते हैं कुंडियां। तो आज हम आपको भी दिखाएंगे कहाँ से मिलती है, कैसे चलाया हुआ है। अभी उसको आप लेते देख देख सकते हो, सकते हो iPhone 13 Pro। तो जंगल जंगल दिखा दो मैं आपको, वो iPhone 13 Pro देखने के लिए सामने का व्यू। और अभी इसको बोलते हैं इसको निकाल, एक और मिल गई गाय। ये गाय का मैट्रेस होता है, टक में पानी की सब्जी बनी की, एक की इतनी मेहनत लगती साफ करने में। हमने इनको धोया। गुड मॉर्निंग ब्रदर, तो यार कैसे हैं आप सब? तो यार आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे और एक नए व्लॉग के साथ। यार आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है, हम जा रहे हैं कहीं बाहर और हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि आज हम कहीं जा रहे हैं। मतलब कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, मुझे पता थंबनेल से आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप सब बहुत तेज़ हो, मुझे पता है। तो यार आज हम जा रहे हैं जंगल में, तो देखेंगे क्या क्या होता है वहाँ पर। सोहन भाई ने हमें बोला कि यार वहाँ पर पता नहीं वहाँ पे गुच्छियाँ मिलती हैं, मतलब कि जिसको भद्रा में बोलते हैं ठुंठू, और मिलती हैं। भद्रा में एक सब्जी का नाम है यार, मतलब कि गोल गोल कलर की होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं कुंडियाँ। तो आज हम जाएंगे, मुझे पता नहीं मिलेंगी, मुझे तो आज तक गया नहीं और ना मुझे पता है कहाँ पर मिलती है कैसे मिलती है। लेकिन चलो ट्राई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कहाँ से मिलती है, कैसे होती है, कहाँ पर होती है, क्योंकि यार मैं आज तक गया नहीं। तो आज देखेंगे, जाएंगे पहली बार एक्सपीरियंस, देखेंगे कैसा रहता है, और मिलते हैं आपको सीधा बाहर। तो खैर सर, अभी जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो यार मुझे कॉल आई कि मेरे एक पार्सल आया हुआ है। अभी उसको लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं क्या पार्सल आया हुआ है, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार अभी जैसे मतलब कि मैंने आपको पहले बताया मैं बाहर आया, तो ये देखो एक पार्सल आया था फ्लिपकार्ट की तरफ से। ये देखो आप देख सकते हो यार, मैंने मंगाया था अपने लिए फ़ोन, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने मंगाया था अपने लिए iPhone 13 Pro। तो अभी मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊँगा। अभी यहाँ पर यार रोड में कैसे करूँगा मैं, पहले अपने फ्रेंड्स के पास जाऊँगा ऊपर, वहीं पर अनबॉक्स भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो मिलते हैं सीधा ऊपर, क्योंकि यार मैं अकेला हूँ आज, पीछे फ़ोन पकड़ने वाला भी कोई नहीं और कैमरा पकड़ने वाला भी कोई नहीं, तो सीधा ऊपर ही जाना पड़ेगा और वहीं पर अनबॉक्स करेंगे। तो गाइस यार अभी हम जंगल के नीचे निचले वाले एरिया में पहुंच गए, हमारे साथ हमारे बंदे भी आ गए हैं। ये देख सकते हो आप सोहन भाई, मोहन भाई, और ये हमारे क्या मोहित भाई, मोहित राइडर, और ये विराट भाई। तो यार अभी हम करेंगे अपने आईफोन को अनबॉक्स, यार मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अभी हम अपने आईफोन को अनबॉक्स करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे जंगलों में, दिखाता हूँ मैं जंगल, दिखाता हूँ मैं आपको वो ऊपर, देख सकते हो आप जंगल, हम अभी जंगल के निचले वाली साइड है। आप देखते हैं यार हमें वहाँ पर आए जंगलों में मिलता है कुछ या नहीं मिलता, नहीं तो फिर जाएंगे हम, अगर नहीं मिला तो फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे यार आपको कहीं, मतलब कि जब मैं अपनी दादी के घर जाऊंगा या नानी के घर जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा। ये सोहन भाई को उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो यार चलो पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। पकड़ना यार विराट भाई, मेरा अच्छे से लाना, नहीं तो पिछले बार की तरह चाबी वाबी दे दो यार कोई। हाँ हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए ये देखो क्या चीज़ है, शक्ल नहीं दिखाना, ये बॉक्स दिखाना। गाइस आईफोन 13 प्रो देखने के लिए दिल थाम के बैठी, आईफोन 13 प्रो खुलने वाला है। आईफोन 13 प्रो गाइस ये देख सकते हैं तुम्हारा आईफोन 13 प्रो, वाह क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। गाइस ये देखो हमारा, नहीं यार ये आईफोन 13 प्रो नहीं था, ये था हमारा गोप्रो का माउंट था ये, जो कि गाइस ऐसा कुछ, ये देख सकते हो आप एक्शन प्रो, मतलब कि अब गोप्रो मतलब कि मैं हेलमेट में सिंगल भी ये माउंट को फिट कर सकता हूँ। अब मैं आपको, यहाँ पे हेलमेट है हमारे पास, यहाँ पे हमने हेलमेट ही नहीं लाया गाइस, तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता ये हेलमेट पे कैसे फिट होता है, ये लास्ट में दिखाऊंगा, पहले हम जाएंगे जंगल में और फिर। तो गाइस यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको झूठ बोला कि उसमें iPhone 13 Pro था, उसमें iPhone 13 Pro नहीं था, उसमें था हेलमेट का माउंट, जो कि मुझे यार मोटो व्लॉगिंग में, मतलब कि मोटो व्लॉगिंग तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बाइक पे जब भी चलना होता तो दूसरे बंदे की ज़रूरत रहती थी मुझे गोप्रो पकड़ने के लिए, तो इसलिए मैंने वो माउंट मांगा, आपने देख ही लिया होगा माउंट पे। अब माउंट पे कैमरे को फिट करेंगे, लेकिन वो लास्ट में दिखा दूंगा घर में जाके। तो अभी यार मुझको सांस फूल रही है, अभी हम चले ही कितना है और अभी से ये हाल है, और दिखाता हूँ मैं यार, ये देखो कितना घना जंगल है। और हमारे सोहन भाई, मोहन भाई, जो कि आज हमारे साथ जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो यही बंदे हैं, वो दो सामने, हम तो यार कुछ नहीं, हम तो परसों के बच्चे हैं। सोहन भाई क्या मिलना आज, कुछ हमें नहीं मिलना, मिलेगा भाई, मिलेगा मिलेगा यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं गाइस कुछ मिलेगा तो दिखा देंगे, लेकिन प्यास भी लगी हुई है। तो मैंने इनको बोला था घर से कि यार एक पानी की बोतल लेके आना साथ में, इन्होंने नहीं लाई, अब देखते हैं क्या बनता है। इधर मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, आज हमें मिलेगी तो दिखाऊंगा, भद्रवा की सब्जियाँ मिलेंगी तो दिखाऊंगा, जंगली सब्जी नहीं मिलेगी तो फिर देखते हैं। तो चलो यार आगे मिलते हैं।
सोन भाई कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, मगर टांगों में बुरी हालत है। मोहित भाई कैसा मजा आ रहा है? प्यास लगी है यार, खाएगा मजा। प्यास लगी, मैंने आपको पहले बोला था। गाइस चित कौन खाएगा? आओ आओ मुझे भी खाना। आओ रोड भाई कैसा मजा है? बोलूंगा गलत हो। चलो कोई नहीं। मोहन भाई कैसा मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है यार, अभी तो हमने आधा जंगल भी नहीं क्रॉस किया तो हमें इतना मजा आ रहा है। अभी देखते हैं ऊपर क्या होता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता। रास्ते में पहुंच गए हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ से नीचे कितना गहरा है, इसलिए जंगल में चलो तो सावधानी बरतो। और वो देखो हमारे दो राइडर आज कहाँ पे बैठे हुए हैं और दो राइडर यहाँ पे आज हम यार पांच बंदे साथ में आए हैं और उनकी ट्यूशन थी तो वो ट्यूशन पे चले गए। और यहाँ से देखो कुछ ऐसा व्यू है पार वाला, ये देखो ये सामने का व्यू। और अभी जाएंगे ऊपर घने जंगल में, आपको वो भी दिखा देंगे। पहले हम अपने आपको एक्सपीरियंस बंदों से मिलाते हैं। ये देखो गाइस कैसे भाग गए ऊपर की तरफ। तो गाइस यार फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आपको मैं एक और बात बता दूं कि यार ये जो कुंड क्या बोलते हैं सोन में, कुंडिया वहाँ पे मिलती है जहाँ पे गीली मिट्टी हो और छाँव हो, जहाँ पे मतलब की 24 आवर छाँव रहे तो वहाँ पर मिलती हैं। देखो ये देखो कहाँ पे मिली थी, ये देखो गाइस ये देख सकते हो आप। गाइस ये देख सकते हो आप, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं दिखा होगा। ये देखो ये होती है कुंडी, इसको बोलते हैं कुंडी। इसको निकालते कैसे हैं? इसको डंडी पकड़ो, इसको डंडी पकड़ के निकालो निकालो। निकल गई गाइस, ये हमारी पहली मेहनत, ये देख सकते हो आप। इसको आप धोते हैं घर में और बनाते हैं, वो आपको आगे दिखा देंगे। पहले और भी है यहाँ पे, एक और मिल गई, इसको डालो किसी में। ये देखो सोहन भाई को मिली है यहाँ पे। मस्त। और कहाँ पे है? और कहाँ पे है? लेकिन पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो गाइस फाइनली आज हमें पहली बार यार, हम मुझे भी दिखी थी यार एक, लेकिन वो सोहन भाई ने ले ली। ओ ये देखिए 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 देख गाइस, मुझे भी अब ये देखो एक यहाँ पे भी है, इसको निकालते हैं पहले। गाइस फाइनली हमें भी कुछ मिला, ये लो। और एक और भी मिली है मुझे यहाँ पे, ये देखो एक यहाँ पे भी है, जूम करके दिखाना यहाँ पे भी है एक। हाँ ये देखो गाइस, गाइस अभी अभी मुझे खुद मिला यार, ये मुझे खुद मिली है। पहले सोहन भाई को मिली थी, अभी मुझे खुद मिली। और अभी और भी होंगी तो वो भी दिखाते हैं, मगर मिलनी चाहिए बस इनको। ओ ये घास जैसा बड़ा है ना इसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? ओथनु। ये किस काम आता है? जलाने के? नहीं नहीं, गाय का मैट्रेस होता है ये। गाइस ये गाय का मैट्रेस होता है, मैट्रेस। हाँ तो गाय का मैट्रेस ही हुआ ना। अभी यार हम आपको कहीं दूसरी जगह पे दिखाएंगे ढूंढ के, अभी यार इधर इतनी थी और अभी जहाँ आगे मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी। तो गाइस यार अभी हम यहाँ पे ऊपर पहुँच गए और विराट भाई को, यार विराट भाई को हिम्मत ही नहीं रही है चलने में, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। तो इनको सांस फूल रही है। और अभी हमें ये देखो एक अतरंगी चीज़ मिली है। ये देखो गाइस यहाँ पे हमें क्या मिला, विराट भाई की टांग की हड्डी मिली है हमें यहाँ पे। गाइस ये पता नहीं किस जानवर की हड्डी है, बंदर जिसने सारी कुंडियां जंगल के खत्म की। गाइस यार यहाँ पे बंदरों ने कुंडियां ले ली हैं। और ये देखो सोहन भाई कैसे ढूंढ रहे हैं पेड़ों के नीचे कुंडियां। तो यार हमें अब कुंडियां ही नहीं मिल रही हैं यार, क्या ही बोले यार, बड़ा दुखी हो गया हूँ मैं, कुंडियां नहीं मिल रही हैं हमें। कहाँ पे? तो चलो यार अभी। तो गाइस यार यहाँ से चलते चलते नीचे से नीचे ऊपर सरोल बाग से आए थे। ये देखो मेरे को मर रहा है गाइस। यहाँ पे हम अक्सर यहाँ पे हम बाइकें लेके आते हैं और आज पैदल ही पहुँच गए नीचे से ऊपर। भाई देखा हमने कितना चले। और अभी यार यहाँ से ऊपर जाएंगे, मिला कुछ तो ठीक है, नहीं मिला तो ये देखो हमने यार हमने अपनी जैकेट भी खोल दी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आप पहले यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे अपने हट के पास और फिर आगे का देखेंगे कुछ मिलता या नहीं मिलता। ये देखो यहाँ से देख लो कहाँ पहुँचे हम, ये तो आपको हर एक वीडियो में देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो आप यहाँ से गाइस इस जंगल से ऊपर आए यार हम, वो देख रहे हो नीचे रोड, उस रोड से चलते चलते ऊपर तक। तो गाइस यार अभी से तब से हम हट से भी ऊपर आ गए, कुंडिया शुंडिया तो मिल नहीं रही, गुच्छियाँ भी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे हमें बर्फ़ ज़रूर मिल गई है, ये देखो गाइस बर्फ़। और ये हमारे साथी, और वहाँ पे ऊपर एक मंदिर है उसको भी दिखा देता हूँ। गाइस यार मुझे लगी है बहुत ज़्यादा प्यास और मुझे पानी की ज़रूरत, अभी हम पानी को ढूंढते हैं पहले फिर उसके बाद मिलते हैं।
तो गाइस इतना चलने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद मसा मसा में पानी मिला थोड़ा सा। ये देखो पानी, देखो वहाँ पे कितना कितना पानी है। गाइस मैं समझ नहीं आ रहा इसको मैं बोतल में भरूँ या ना कहाँ पे लगाऊँ इस पानी, क्या बोलें अब। चलो पहले पानी पीते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पानी भर रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो बूंद बूंद से क्या भरता है, लिफाफा लिफाफा टका टका मूवी टका टका लिफाफा भरता है। ये देखो यार गाइस कब से भर रहे हैं पानी को, पानी फुल हो गया और राड है पी रहे हैं पानी। फिर उसके बाद मेरी बारी, आकाश में कैसे पानी पी रहे हैं, टका टक में पानी बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से लिफाफा भरता है टका 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 मूवी। गाइस ये देखो हमारे मोहन भाई इसको कर रहे हैं साफ। तो किसी ने अभी अभी हमने स्नैप भेजी थी किसी को, तो वो बोल रहे थे क्या है खराब है, खराब है देखो यार इसके अंदर मिट्टी होती है पूरी वाइट है देखो। गाइस उनको नहीं पता जंगल में कभी आए नहीं है तो उधर बैठ के लगे इधर शोर करने। हाँ हमारी मेहनत को ऐसे ही हमने इतना, तो मैं आज तक नहीं भागा हूँ मतलब चला हूँ। चलो चलो मोहन भाई इसको साफ करो, दिखाओ कैसी होती है पूरी साफ करके। इसकी सब्जी बनेगी एक की खाएंगे शाम को पार्टी पार्टी आ चलेगी मोहन भाई। सूप बनेगा, सूप बनेगा सही में, इतनी मेहनत लगती साफ करने में इसको। और क्या ये ऐसे साफ होती है, इसके लिए टीन का। तो भाई जरा अभी हम कर रहे हैं कुंडियों को साफ, गुच्छियां तो हमें मिली नहीं, गुच्छियां मिलने से रही, और अभी इनको साफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसी हैं ये। तो गाइस यार अभी देखो यार ये आज हमारी दिन भर की मेहनत है, देख सकते हो जूम करके दिखाना, जूम करके गाइस ये पहले कोई बोल रहा था कि साड़ी हुई है लेकिन ये साड़ी हुई नहीं है, ये पहले मिट्टी गई थी इनमें, तो अभी हमने इनको धोया तो देखो कैसी है गाइस, कमेंट करके बताना आपको मिलती है नहीं मिलती। मुझे इसमें से दो मिली और सारी सोहन मोहन को मिली है, ये सारा क्रेडिट सोहन मोहन को जाता है, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कुंडियों के लेकिन सोहन मोहन ने ढूंढी तो इन्होंने हमारी हेल्प की। तो चलो कोई नहीं अब सीधा मिलेंगे यार आपको नीचे यार, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। और ओ गाइस यार ये यार आपने अभी देख ली होगी कुंडिया, ये देखो अभी मेरे हाथ में ही है। तो यार ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यार भद्रा में किसी को पता भी नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है, इसको भी खाते हैं। तो यार आज मैंने आपको ये भी दिखा लिया है और एक सबसे अलग यूनिक सा व्लॉग भी बन गया हमारा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मतलब की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। और अभी हम मिलेंगे आपको सीधा नीचे क्योंकि आप बहुत लेट हो गया है, प्रमोट करो करते हैं एक मिनट नीचे चलो। भाई इधर अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये देखो कहाँ पहुँच गए, अपनी फेवरेट प्लेस पे पहुँच गए हैं, हमारा हट वो सामने भद्रवा, और अब जाएंगे यार सीधा घर को यार क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और आपको घर में मिलेंगे, घर में करेंगे व्लॉग को एंड, अब सीधा डायरेक्ट वाया घर चलेंगे अब। तो गाइस दौड़ दौड़ के पसीना आ गया, ये देख सकते हो आप, आपने देख ही लिया होगा फास्ट फॉरवर्ड में, वो 10 सेकंड में हम कोई 10 मिनट दौड़ते हैं तो वो फास्ट फॉरवर्ड में लगता है कोई हमने सिर्फ 10 सेकंड दौड़ा है। तो चलो यार अब सीधा नीचे मिलेंगे बाइक के पास। तो भाई सर फाइनली अभी हम रोड में पहुंच गए, ये देखो हमारी बाइक आप देख सकते हो, और विराट भाई भी पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, आपने देखा होगा पीछे फास्ट फॉरवर्ड में भी और स्लोमो में भी देख लिया होगा कितने दौड़ दौड़ के आए भाई। हमें डर लग रहा था यार क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं जंगल में क्या सीन चलेगा, तो डर भी लग रहा है। तो अब बारिश भी लग रही है, तो अभी विराट भाई फास्ट फॉरवर्ड करके कैमरा पकड़ने पीछे, और मैं आपको घर में वो माउंट का भी बता दूंगा थोड़ा सा कैसे जोड़ते हैं क्या करते हैं, तो फिर चलेंगे घर को, मतलब कि घर में ही दिखा दूंगा सब कुछ और व्लॉग करेंगे एंड। यार फाइनली अब हम घर में पहुंच गए हैं, तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में वो GoPro जो मैंने मल की यार आज ही उसको मैंने सोचा था अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन यार क्या ही बोले जब किस्मत ख़राब हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यार अब मुझे इसी वीडियो में उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको हेलमेट पर कैसे माउंट करते हैं, मतलब कि कैसे अटैच करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे दिखा दूंगा जैसे उस पर GoPro फिट करके, तो देख लेना खुद ही, तो फिर आगे मिलते हैं आपसे।
तो गाइस यार ये है हमारा हेलमेट जैसे कि आप देख सकते हो ये, और इसको यहाँ पे इसको ये गाइस जो ये इसका माउंट है इसको यहाँ पे अटैच करते हैं ऐसे, ये ऐसे गाइस। अभी मैं इसको यहाँ पे अटैच करके दिखाता हूँ आपको। यार अभी यहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं, तो यार मुझे कैमरे में कैमरा पकड़ने में और इसको साथ में अटैच करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एंड में दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये। पे ये GoPro को माउंट अटैच कर लिया, ये देख सकते हो बिल्कुल इजी है यार, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। इसको सिर्फ सेंटर में लाना और इसको ये जो स्टिप है इसकी इसको टाइट करना अंदर वाली साइड से, जैसे आपके स्कूल की बैग को वो होते हैं ना वो टाइट करने के लिए, वो उसकी स्टिप टाइट करने के लिए, बस वैसे इसको यहाँ पे टाइट करने के लिए हैं। तो ये टाइट कर सकते हो इससे आप, ढीला या टाइट कर सकते हो। तो उसके बाद ये जो GoPro है GoPro को इसके ऊपर ऐसे रख के अटैच करना है। तो ये जो गाइस ये जो नेट आता है इसके साथ, ये इसके साथ नहीं आया, ये मेरे पास पहले से था, लेकिन आप चाहो तो आप मंगा सकते हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही था तो मैंने नहीं मंगाया। तो गाइस इसको आपने टाइट कर देना है अपनी मर्ज़ी से, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा फ्रंट से। तो गाइस यार आप देख सकते हो ये मैंने इसको जुड़ा के, और ये देख सकते हो आप कैसा लग रहा है गाइस, ये बताना मुझे कैसा लग रहा है। हेलमेट पे हमने अपना GoPro अटैच कर दिया है, और इसके साथ यार अब बस एक माइक लगती है जो कि यहाँ से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, यहाँ से एक माइक जो अंदर यहाँ पे रहती है, जिससे मतलब जो हवा होती है तो उसकी शोर वीडियो में नहीं आती है, इसलिए वो माइक अटैच करके यहाँ पे माइक रख देते हैं यहाँ पे कहीं घुसा के, वो अपनी मर्ज़ी से अटैच कर देते हैं। तो यार बस इतना ही सा था यार, तो ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि यार मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं एंड में बताऊंगा, तो तभी मुझे ये ज़रूरी लगा कि यार क्या पता कुछ बंदे सिर्फ GoPro का माउंट ही देखने के लिए वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए यार मुझे ये ज़रूरी लगा तो मैंने ये भी बता दिया। तो यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले यार, बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि यार अगर बेल आइकन ऑन ही नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है कि वीडियो आई या नहीं आई, तो यार बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी है। और गाइज और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो यार। तो यार एक और बात बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपने मुझे पिछली वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और यार ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार। बट इस वीडियो पर यार 2K कंप्लीट करा दो यार, 2K कंप्लीट करा दो, उसके बाद फिर अगले जो व्लॉग है ना यार वो मज़ेदार आने वाले हैं यार। आज तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं जंगल में, तो जब हम अपने दादी के या नानी के घर जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे उनके साथ, वहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा देंगे और ये कैसे बनाते हैं वो भी दिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप भी नहीं देखते और देखने में मज़ा नहीं आता है, तो बाय बाय।